सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज पर से खेलने जा रहे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस जानता हूँ बहुत लेट वीडियो आ रही है, अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो अपलोड करने की डेट्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा भूल सकते हो तुम। वीडियो अपलोड होने वाली है मंडे, वेनसडे, फ्राइडे और संडे को। ये चार दिन वीडियो प्रॉपर अपलोड होने वाली है। तो गाइस तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, अपुन है। अब तुम मत बोलना कि इसी बात की तो टेंशन है कि तू है। सही पकड़े हैं। गाइस तुम लोगों को मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया कि हमारे को एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर रहा है, जो कि होगा 400 सब्सक्राइबर्स का। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का गोल है, बट हम कर सही पकड़े हैं, सकते हैं। किंग आर्मी कैन डू एनीथिंग गाइस। और गाइस हमारा एक और गोल है, जो है इस मंथ के, मतलब इस ईयर के एंड होते होते 1K सब्सक्राइबर्स पूरा करने का। वो हो सकते हैं अगर तुम एक सब्सक्राइब मेरे को मिल सके तो। तो गाइस इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं आयरन को फाइंड आउट अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जो कि पता नहीं क्या नाम था उसका, फॉरगॉट। तुम एक्सपेक्टेशन यही रख सकते हो गाइस मुझसे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। तो तुम एक्सपेक्टेशन यही रख सकते हो। और गाइस अगर तुम लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आराध्या आर्मी पे चले जाओ, वहाँ पे सारी टाइप की कंटेंट्स मिल सकते हैं तुम्हें। बट यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सिर्फ माइनक्राफ्ट का कंटेंट, बिल्कुल भी फ्री फायर का कंटेंट नहीं है इस चैनल पे। अगर तुम लोग सिर्फ माइनक्राफ्ट लवर हो तो तुम लोगों को इस वीडियो पे 15 लाइक्स करके दिखाने हैं, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तुमने पिछले 15 लाइक्स नहीं किए थे, 10 लाइक्स किए थे, 5 लाइक्स का टारगेट था, इसलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट बताने का सोचा। बट मुझे फिर लगा कि तुम लोग मेरी पीसी वाले गेम प्ले पे क्या रिस्पॉन्स देते हो। तो भाई तुम लोगों ने 30 यूज कर दिए हैं उस पर लाइक्स का, मेरे को याद नहीं, मैंने आज सुबह ही देखा था और मैं 2 बजे तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, डन हो गया वर्ल्ड। गाइस शुरुआत की फालतूगिरी के बाद अपना वर्ल्ड अपलोड हो चुका है, मैं इसको बंद कर देते हैं। और गाइस क्या बोलना था मुझे आपको, और गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर बनने ही वाला है। अब मत बोलना कितनी बार बनाएगा भाई। गाइस मैं उसका पासवर्ड भूल गया था, तुम लोग जानते हो ना। और ये अपना घर है। हाँ आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना। और गाइस वहाँ पे अपना फार्म है, फार्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस मैंने मतलब ये सब ऑफलाइन इसने किया, और ये ऑफलाइन मतलब मैंने कब किया, 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे आई थिंक। सो तब से मैं ये वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पानी में गिर के छपाक कर करके। ओके मैंने कहीं तो एक माइन बनाने का एरिया ढूंढा था यार, ये यहाँ था। हाँ यहाँ था। ये देखो गाइस हमने इतना खोद रखा है, अपन को आगे भी खोदना है, बट अंदर काला काला हो गया है। कोई बात नहीं, करते थोड़ी ना है। गाइस का मैंने पीसी की गेम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया गाइस, तो लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। तो गाइस मैं थोड़ा सा मतलब ढूंढना ही पड़ेगा, सो कोल के लिए तो तुम लोग जस्ट मजे लो। और तो क्या ही है कोल ढूंढने के लिए, मैं माइंड में से कोल नहीं निकालने वाला। और रात अभी ही होनी थी क्या, खाना दे, खाना चाहिए। अरे यार ये तो लैग ही। तो पहले गाइस हम लोग सोने चलते हैं, क्योंकि रात हो गई है और रात के अंदर बाहर माइनक्राफ्ट में घूमना इज वेरी हार्ड। चलते हैं हम आराम से, क्योंकि नीचे ये गार्गल करते रहेंगे मॉब्स। कोई बात नहीं, सुबह की चांदनी हवाओं के साथ साथ हम लोग अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमारे को चाहिए होगी चारकोल, क्योंकि हमारे पास कोल नहीं है। और चारकोल के लिए अपने को चाहिए होता है वुड, और वुड को हमें काटना पड़ता है। तो गाइस अब वुड काटने की मॉन्टेज को एंजॉय करो।
वो गाइस मोंटेज खत्म हो गई है अभी के लिए। फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस मच्योर इज इनफ। अपने पास कोल तो पड़ा नहीं होगा जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में बहुत खेलूँगा। और गाइस कोई बोलेगा नहीं क्रिएटिव यूज़ किया, क्योंकि मैंने सच में क्रिएटिव यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं क्रिएटिव यूज़ किया। सच्ची झूठ नहीं बोले, झूठ से हट के मतलब सच्चाई की तरफ को चलते हुए बोले तो मैंने इसमें बिल्कुल क्रिएटिव यूज़ नहीं किया है। अगर तुम्हें लगता है क्रिएटिव यूज़ किया है तो गाइस तुम लोग मुझ पर विश्वास कब करना सीखोगे। तो गाइस थोड़ा सा अपने को कॉर्बल स्टोन चाहिए होगा, जो कि हम अपने इलाके से निकालते हैं, इलाका मीन टू से ये वाला इलाका जहाँ पे कॉबल स्टोन मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये कॉबल स्टोन ही कॉबल स्टोन हो गया। इस अभी बस मैं टैबलेट में खेलूँ ना, टैबलेट में थोड़ा सा हार्ड होता है कि खेलना माइनक्राफ्ट को। अगर तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना, हार्ड भी होता है, मज़ेदार भी होता है, इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा इधर की तरफ जाना है और ये उठा देना है। अब घर में जाके फर्नेस बनाते हैं और फटाफट से इनको मतलब काट फूट के लकड़ी से अपने को बनाना होगा। और गाइस विलेज तो फाइंड आउट करना ही है, विलेज के बिना तो अपन आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते ना। इंचार्टमेंट टेबल से मुझे पता है बुक्स बना सकते हैं, लेदर वेदर के लिए कावा स्पॉन होती रहती है, बट देखा जाए तो अगर हम इजी वे देखा जाए ना तो वो यही होगा भाई, शायद से बेवकूफ है हमारे पास कॉबलस्टोन पहले से पड़ा था और फर्नेस भी ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे फर्नेस रखा था। और तुम्हें थोड़ा सा घर का टूर भी दे देते हैं इसी बात पे, वो ग्राउंड फ्लोर होगा और ये फ्लोर होगा जहाँ पे अपना सब कुछ सामान ऐसे रखा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपन अपना फर्नेस रख देते हैं फिलहाल के लिए, उसके अंदर ये रख देते हैं और उसको जलाने के लिए अपन एक्स्ट्रा इसमें से आधा निकाल लेते हैं, आधा आधा भी दूसरे के आधा ही निकालेंगे, चार ठीक है आधा इसमें से निकाल लेते हैं और इनका प्लैंक्स बना देते हैं। अरे यार थोड़ा से बनाएंगे, चलो नौ छः छोड़ देते हैं, प्लैंक्स बना देते हैं और इनको फ्यूल के हिसाब से अपन को स्टिक्स क्राफ्ट कर सकते हैं ना। स्टिक्स मुझे पता है जल्दी बर्न हो जाती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब फटाफट फर्नेस खोलते हैं। अरे यार ये लैग हो रहा है बहुत, नहीं लैग नहीं होता है मूव, क्योंकि फर्नेस खोलते हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा अभी पहले ही वुड डाल देते हैं और अभी ये स्टिक्स डाल देते हैं। तो ये अपना स्मेल्ट होता रहेगा एक अलग साइड पे, और जब तक मैं तुम्हें घर का टूर देता हूँ तो यहाँ पे अपन अपना फर्नेस और ये सब सामान रखेंगे। फालतू सा नहीं मतलब काम का ही होगा, बट कोई बात नहीं। और ये अपनी छत होगी, अभी ये जो एरिया है यहाँ पे हमें इसको कवर करना है, जिससे अपन अपना मस्त ऐसा खड़े होकर व्यू ले सके एकदम बढ़िया सा पहाड़ों का। वहाँ पे एक मस्त सा कैसल बनेगा, वो सिर्फ स्पॉइल दे दिया बट कोई बात नहीं। वो लास्ट एपिसोड का जिस टाइम मैं कैसल बनाऊंगा उसके बाद इसकी वीडियो नहीं आएगी। तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि अपना कब तक वो होता है। तो चार कोल तो बन रहा है, चार कोल चार बन रहा है, नीचे जाकर जल्दी से स्टिक से अपन अपना वो बना लेते हैं लाइट और माइनिंग के लिए चलते हैं। बाकी जब तक माइन कर रहे होंगे तब तक मतलब ये हो ही जाएगा। तो स्टिक्स ऐसे रखनी होती है, वो ले सकता है और सस्ते जो गार्ड्स हमने 14-16 बना रखे हैं, सस्ता जो गार्ड है ये हम इंडियन लोग हैं गाइस। अगर तुम कहीं और से देख रहे हो तो लव फ्रॉम कौन सी प्लेस देख रहे हो वो लिख देना कमेंट में, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं अपने चैनल को। और मुझे खुशी भी होगी क्योंकि तुम लोग जो मेरे दोस्त नहीं बोलेंगे, तुम लोग ही मेरी ग्रोथ और इन सब के पीछे हो। तुम लोगों का अपनी लोकेशन मतलब ऐसे एड्रेस मत दो, बट जैसे मैं बोलूँ मैं इंडिया से तो लव फ्रॉम इंडिया लिख दो, जो इंडिया से देख रहे हैं वो लव फ्रॉम इंडिया कर दो और जो अदर कंट्री से देख रहे हैं वहाँ से लव फ्रॉम कर दो। अब कौन सबको इंग्लिश आती होगी,
और गाइस जिनने विंजो को डाउनलोड नहीं किया विंजो को डाउनलोड कर लेना, विंजो बहुत अच्छा ऐप है। उसके अंदर आजकल क्या है माइनक्राफ्ट के भी शायद से करेंसीज मिलने लग गई है आई थिंक सो, मुझे जितना पता चला है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ, मेरा तो भाई माइन करते हैं तुम देखो क्या। वाओ वेरी डेंजरस, मेरी फट गई थी भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास बोर्ड पड़ा है ना, इसलिए तो मैंने बोर्ड लेके आया था कि हम क्राफ्टिंग टेबल बना सके। तुम्हें समझ में नहीं आता गाइस, हमने बोर्ड इसलिए तो लिया था। हाँ तो गाइस इससे पिछले वाली क्लिप के अंदर देखा कि मेरे पास थोड़े से 14 वो थे ना ब्लॉक्स ऑफ आयरन, शायद से तुम्हें दिख पाया होगा क्योंकि मैंने क्लिप मेरी गलती से पॉज हो गई थी और वो पूरी क्रैश हो गई क्लिप। तो गाइस अगर आपको दिखी होगी वो 14 ब्लॉक ऑफ आयरन, तो उसमें मैंने 2 स्टैक्स आयरन के। और गाइस अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो फिर वो प्रूफ मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो के लिए तुम्हें क्या करना है, इसमें वीडियो पे 10 लाइक्स करने हैं और मैं आयरन दिखा देता हूँ। देखिए गाइस आयरन हम अपने आयरन से कवर भी कर लेते हैं खुद को, ऐसा भी नहीं कवर करेंगे कवर भी करेंगे, चलिए आयरन का सामान बनाया जाए। कुछ ऐसे ही वो चेस्ट प्लेट बनती थी, फिर कुछ ऐसे ही वो पैंट बनती थी, फिर कुछ ऐसे ही वो हेलमेट बनता था, फिर कुछ ऐसे जूते बनते थे। तो गाइस अपना फुल आर्मर कंप्लीट हो चुका होगा ना, हाँ गाइस तो अपना फुल आर्मर कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ क्रिएटर पे शायद से होता है, नहीं वीडियो पे होता है ना, तो हम इसको कर देते हैं थर्ड पर्सन व्यू, नहीं फ्रंट व्यू दिखाते हैं ना, तो फ्रंट में दिखाया जाए। तो गाइस अपन हो चुके हैं फुल आयरन में कवर्ड, हमने इतनी माइनिंग की और अपन फाइनली आयरन में कवर हो चुके हैं। और गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो तब तक, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।